हाँ जी जी सर। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेश बजाज पदाधिकारी महासचिव विधानसभा सिरसा, जैसा कि 30 मई को हम महाराजा रोड की जयंती बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाते आ रहे हैं, इस साल भी हम बड़ी ही उत्साह और उम्मीद से बड़ी ही शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका विस्तार से हमारे सुरजीत अरोड़ा जी बता रहे हैं। श्री अरुण जी महाराज की जय। मैं सुरजीत अरोड़ा सिरसा विधानसभा अध्यक्ष सिरसा वासियों से अपील करता हूँ कि ऑल इंडिया अरोड़ा पंजाबी खत्री पंजाबी कम्युनिटी की तरफ से, पूरे कार्यकारिणी की तरफ से सिरसा शहर के अंदर पहली बार श्री अरुण जी महाराज की 30 मई श्री अरुण जी महाराज की जयंती के उपलक्ष में 29 मई को हम शाम को 3 बजे सिरसा शहर के अंदर पहली बार आम जन के सहयोग से श्री अरुण जी महाराज के आशीर्वाद से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मेरी सिरसा की जनता जनार्दन से, सिरसा इलाके से, सिरसा हल्के से सभी जनता से अपील है कि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और सहयोग करें और अरुण जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं मोहनलाल एडवोकेट, जिला महासचिव एवं प्रेस प्रवक्ता, जैसा कि भाइयों ने अपील करी है, मैं भी सिरसा शहर के सभी समाज व पदाधिकारियों व संस्थाओं से अपील करता हूँ, छत्ती बरादरी से अनुरोध है कि जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी 29 मई को 3 बजे, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, सहयोग दें और हर प्रकार से हमारे साथ चलकर जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करें और शोभा यात्रा निकालकर हमें सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अब मैं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सतीश अरोड़ा जी से अनुरोध करता हूं। बोलो शाम प्यारे की जय हो, अरुण जी महाराज की जय हो। जैसा कि ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी ने इस बार सोचा है कि हम भी अपने शहर में अरुण जी महाराज की शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा 29 मई को शाम बगीची से चालू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए अरुण जी महाराज चौक अरोड़ा चौक पर जाके सम्पन्न होगी और हम अपने शहर के वासियों से कहना चाहते हैं, 36 बिरादरियों से, ना कि अकेले अरोड़ा परिवारों से, कि सभी परिवार साथ मिल के आए, अरुण जी महाराज जी का श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे जी सिरसा आयोजन करवाते जो हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और सिरसा के अंदर पहली बार करें, ऑल इंडिया अरोड़ा पंजाबी कम्युनिटी है, ये हमारा ये उद्देश्य है कि हम सिरसा के अंदर एक ऐसी संस्था पैदा करें ये सिरसा समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियाँ उसको दूर करें। हमारा उद्देश्य है पहले अगर हमें जनता का सहयोग मिलता रहा और बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो हमारी ये पहली सोच है। सिरसा के अंदर जो नौजवान भटके हुए हैं, नशा करते हैं और उनको हम दूर करेंगे और ये हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम इसीलिए बना रहे हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी जिनके अंदर मान बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान नहीं है, हमारी ये सोच है कि हम सिरसा के अंदर ऐसा कुछ करें कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या हमारे साथी हैं उनका बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान पैदा हो। और इसके अलावा क्या कोई रहने वाला है शोभा यात्रा के अलावा और क्या कार्यक्रम कुछ रहेगा? अभी हमारा शोभा यात्रा का प्रोग्राम है जी, आगे आगे जैसे हमारी जो कार्यकारिणी बैठेगी जैसे जैसे जन का सहयोग रहेगा हम आगे आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। और इसके अलावा बाकी जो संस्थाएं हैं सामाजिक या धार्मिक शहर के लोगों की संस्थाएं क्या उनको भी न्योता दिया गया? बिल्कुल, हम तो एक सामाजिक संस्था नहीं, सिरसा इलाके के अंदर छत्ती बरादरी, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि जातवाद को बढ़ावा देना, हमारा तो ये एक उद्देश्य है कि हमने अगर कोई समाज सेवा करनी है तो पहले हम घर मजबूत हो, फिर हमारा परिवार मजबूत हो, फिर हमारा शहर मजबूत, हम सेवा करेंगे जब हमारा घर मजबूत होगा, पहले हम घर की मजबूती, फिर समाज की, फिर शहर की, फिर देश की, फिर प्रदेश की, फिर विश्व की। क्या सोच के ये प्लानिंग आपके मन में आई कि अरोड़ा परिवार के लिए या महाराज जी की जयंती आप लोग मनाए, क्या विचार कैसे आप लोग? ये ऐसे जो हमारे सतीश कुमार जी हैं इनकी मंशा है कि सिरसा के अंदर एक ऐसी सामाजिक संस्था बनाई जाए। हम जब छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, इस शहर में ही पले हुए हैं, तो अरोड़ा साहब थे हमारे सिरसा नरेश लक्ष्मण दास जी अरोड़ा, वो रूट जी महाराज का उन्होंने चौक भी बनवाया और वो पूजा अर्चना भी करते हैं, 30 मई को करते थे और करते हैं अभी, उनका परिवार हमारा अरोड़ा परिवार करता है। लेकिन हमने शोभा यात्रा 2-3 साल पहले हमने कहीं शोभा यात्रा देखी
हनुमानगढ़ में देखी, हनुमानगढ़ जबकि अपने से बहुत छोटा शहर है, तो हमारे दिल में भी ये आई कि जो हमारे शहर के अरोड़े अलग अलग बिखरे हुए हैं, इनको एक ही मोहल्ला के मोती बना दें। हमारी सोच यही है कि सारे इकट्ठे हों और इस शोभा यात्रा को पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग दें और इसमें हिस्सा लें और रूट जी महाराज का आशीर्वाद लें। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नहीं दिया जाएगा, उनको पहले न्योता, सबसे पहले न्योता उनको देने जाएंगे। एक मेरा सवाल है, ऐसे जी हम जो राजनीतिक सत्र पे किसी को नहीं, हम एक सामाजिक तौर पे जो भी सभी को देने नुकता, हमारा जो ये संस्था है हमारी ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी, ये गैर राजनीतिक मंच है, एक राजनीति से हटके हम 36 बरादरी की जो भी संस्था है, जो भी आम नागरिक है, हमारा आज जो प्रेस वार्ता करने का ये एक ही उद्देश्य है कि सरसा इलाके के अंदर 36 बरादरी राजनीति से प्रेरित राजनीति का इसमें कोई मतलब नहीं, 36 बरादरी सभी को हम नुकता देंगे, सभी संस्थाओं को देंगे, आम नागरिक को भी हम इसलिए ये आज नुकता दे रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सरसा शहर में आम जन को अपील करते हुए हमने सभी बिरादरियों को साथ लेकर शोभा यात्रा निकालनी है। ये सतीश अरोड़ा जी का और सभी का, हमारे पदाधिकारियों का एक मत है कि सभी को निमंत्रण देना है, सभी को साथ रखना है और सभी को साथ चलते हुए अच्छे संदेश देकर बुराइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ना। शाम बगीची से शुरू होकर शहरों से निकलते हुए आम जन से अपील करते हुए प्रसाद बांटते हुए और जो हमारा समापन है वो अरोड़ वंश चौक पर होगा।